Welcome Welcome to my आज की वीडियो में आज वीडियो हम एनालिटिकल रीजनिंग ब्लड रिलेशन विद रिलेशनशिप एंड प्रोफेशन के सवालों को देखेंगे एम ओ डी में सबसे ज्यादा इन्हीं सवालों को पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी माने जाते हैं तो वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखिएगा ताकि हम इन सवालों को ठीक से समझ सकें रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल इन आंसर द क्वेश्चन दैट आर गिवन बिलो पहली जो कंडीशन है वो है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर ट्रैवलिंग इन अबास ये छः लोग हैं जो कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं पहली कंडीशन तो मैंने छः लोगों का यहाँ पर लिख दिया है पी यू आर एस टी यू देर आर टू रिपोर्टर्स टू टेक्नीशियन वन फोटोग्राफ़र एंड वन राइटर ये उसने हमें जो है वो एक और कंडीशन दे दी कि इसमें से दो रिपोर्टर हैं दो टेक्नीशियन है एक राइटर और एक फोटोग्राफर है उसने हमें नहीं बताया कि पी का प्रोफेशन क्या है क्यू का क्या है आर का क्या है ठीक है ये हमें खुद निकालना होगा ख़ुद ड्राइव करना होगा द फोटोग्राफ़र पी इज़ मैरिड टू एस हु इज़ रिपोर्टर यानी उसने यहाँ पे बताया कि पी जो है वो हमारा फोटोग्राफ़र है तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊँगा कि पी जो है हमारा वो फोटोग्राफर है ठीक है और साथ ही मैं उसने हमें बताया कि जो आपका पी ने एस के साथ शादी की तो पी और एस का एक कपल हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया और एस जो है वो एक रिपोर्टर है ये भी उसने हमें बता दिया ठीक है तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एस जो है वो एक रिपोर्टर है ठीक है एस जो है वो एक रिपोर्टर है अच्छा द राइटर तो एक तो ये हमें पता लग गया कि इन दोनों का कपल है और दूसरा ये पता लग गया कि दोनों जो है वो पी का प्रोफेशन फोटोग्राफर है और एस का रिपोर्टर है द राइटर इज मैरिड टू क्यू हु इज इन द सेम प्रोफेशन एज दैट यू अब यहाँ पे दो चीजें उसने बताई हैं एक तो उसने बताया कि Q और U का प्रोफेशन सेम है Q और U का प्रोफेशन सेम है दूसरा इसने बताया कि द राइटर इज़ मैरिड टू Q, यानी Q से जिसने भी शादी की वो एक राइटर है ठीक है तो हमें ये दो चीज़ें पता लग गई उसके बाद पी क्यू आर एस आर टू मैरिड कपल नो बडी इन द ग्रुप हैव सेम प्रोफेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पी क्यू आर एस अब पी और एस का एक पेयर था और दूसरा जो कपल है वो है आर और क्यू का हमें यहाँ से पता लगा तो आर और क्यू एक कपल है साथ ही उसने हमें बताया था कि जिसने क्यू से शादी की है वो एक राइटर है यानी आर जो है वो एक राइटर है ठीक है तो यहाँ पे हम उसको भी देख लेते हैं अच्छा जी अब हमें एक पॉइंट और पता लग गया कि आर जो है वो एक राइटर है अच्छा लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि Q और U जो है वो सेम है आप ज़रा देखें हमारे पास बचे कौन कौन है दो टेक्नीशियन और एक रिपोर्टर बचा है हमारे पास तो Q और U अगर सेम है तो वो दोनों क्या होंगे वो दोनों ऑब्वियसली टेक्नीशियन होंगे क्योंकि दो टेक्नीशियन हमें फिट करने थे ठीक है तो अगर ये Q और U टेक्नीशियन हो गए तो T जो है वो एक रिपोर्टर हो गया तो इस तरह से हमारा जो जो पूरा चार्ट है वो कंप्लीट हो गया ये देख लीजिए दोबारा चार्ट अच्छा और एक और चीज इसने यहाँ पे बताई है कि टू मैरिड कपल एंड नो बडी इन द ग्रुप प्रोफेशन इज ब्रदर ऑफ जो है वो आर का भाई है ठीक है ये सारे हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया अब हम सवालों की तरफ आ जाते हैं पहला सवाल है विच इज द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ टेक्नीशियन तो हम वहीं से जाएंगे हम देखेंगे टेक्नीशियन का पेयर कौन कौन सा था Q और U टेक्नीशियन थे तो Q और U आपका टेक्नीशियन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रिपोर्टर रिपोर्टर कौन कौन से थे एस एन टी एस एन टी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हाउ इज आर रिलेटेड टू यू अब उसने आपको सिर्फ ये बताया था कि आर जो है, यहां देखें, यू इज़ ब्रदर ऑफ़ आर। तो यू जो है वो ब्रदर है अब ये नहीं बताया उसने कि आर जो है वो मेल है या फीमेल है तो यहाँ पे आपको क्या है कि या तो आर जो है वो उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है तो डी इज़ द राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी विस्ट ऑफ़ द फॉलोविंग इज ए कपल तो कपल मैंने आपको पीछे बना के दिखाए थे कपल कौन कौन से थे बता यहाँ देखें कपल कौन कौन है कपल है आपका पी एस और आर क्यू ठीक है ये दो कपल हैं तो आप यहाँ पर आ जाए और ये देखें कपल कौन कौन से हैं आपके पी एस और आर क्यू यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ हस्बैंड्स अब यहाँ पे उसने जहाँ भी पेयर तो बताया उसने कपल तो बताया कि पी और एस और आर और क्यू है लेकिन उसने नहीं बताया कि इसमें से हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है तो यू कैन नॉट द आंसर कि जो है वो हस्बैंड के पेयर कौन सा होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होपफुली uh, इस वीडियो में आप लोगों को रिलेशनशिप के सवालों की जो ट्रिक है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इनको लेके चलना है मजीद किसी टॉपिक पे अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं सी एस एस फॉरम वन टू वन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर मैं एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ ऑलमोस्ट uh, कोई ऑलमोस्ट छः से सात टॉपिक मैंने कवर किए हैं जिसमें सीक्वेंस वाले भी थे ठीक है ऑर्डर वाले सवाल भी थे ब्लड रिलेशन भी आ गया इसी तरह मजीद मैंने और भी जो जो केस स्टडीज में करवा सकता था मैंने आपको करवा दिया